अस्सलामुअलैकुम। तो भाई जैसा कि आपने देखा अभी ये वीडियो है वैक्सीनेशन के बारे में और ये वैक्सीन का नाम है लसोटा वैक्सीन। तो भाई ये लसोटा वैक्सीन देते कब हैं? अक्सर जो कि कबूतरों में अटैक की बीमारी जिसे कहते हैं या तीड़ कहते हैं या लकवा कहते हैं, ये उस बीमारी से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई तीड़ में दो तरीके के होते हैं, एक होता है जो कि जिसमें कि कबूतर जो है मुंडी हिलाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें कबूतर जो है ज़्यादा अपनी मुंडी हिलाता है और इसमें गर्दन टेढ़ी नहीं होती। और जो दूसरी तरीके का टेढ़ होता है उसमें कबूतर की गर्दन बिल्कुल गोल फिट जाती है, जिससे वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता और इधर उधर गिरता है। तो हम पहले देख लेते हैं कि अगर आपके कबूतर को टेढ़ हो जाए या उसे होने से पहले आप उसे पहचान लें तो आपको पहले करना क्या है। अगर टेढ़ होने से पहले आप अपने कबूतर को पहचान लें तो आप उसे फौरी अपने बाकी कबूतरों से अलग कर लें, क्योंकि ये टेढ़ जो है एक से दूसरे कबूतर में बहुत जल्दी फैलता है और दूसरे कबूतर भी इसमें आसानी से मुब्तला हो जाते हैं। और इसे इंग्लिश में न्यू कैसल डिजीज़ कहते हैं। तो ये फैलता कैसे है? तो ये कबूतरों की जो है नाक से जो पानी जाता है उससे, या फिर अगर ये छींके करें तो इससे ये हवा में फैलता है और आसपास जो अगर कबूतर हों तो उनको भी आसानी से लग जाता है। और दूसरी चीज़ जो है ये कबूतरों के बीट से भी फैलता है। तो आप ऐसे कबूतरों को जल्द से जल्द अलग कर लें। और ये वैक्सीनेशन शुरू करने से सबसे पहली बात, आप जो है ये वैक्सीनेशन कभी भी बीमार परिंदों को ना दें, क्योंकि अगर वो बीमारी से मरे ना मरे इस वैक्सीन से ज़रूर मर जाएंगे। क्योंकि ये वैक्सीन में होता क्या है कि ये वैक्सीन जो है यही वायरस का, जिसे आप इसे बचाना चाहते हैं, उसका ही बिल्कुल कमज़ोर फॉर्म होता है। तो आप इसे देने से, जो भी आप अगर इंसान में भी दें जैसे कि टीका बोलते हैं, वो देने के बाद जैसे कि बच्चों में हल्का सा बुखार आता है, वैसे ही कबूतरों में भी ये वैक्सीन देने के बाद बिल्कुल उन लोग में हल्का सा बुखार आता है, फिर वो जो भी आप बीमारी से बचाना चाहते हैं उससे इम्यून हो जाते हैं, यानी कि उनको अगली बार वो बीमारी नहीं होती। और कुछ ये वैक्सीन से रिलेटेड जो कि बेसिक बातें हैं, जैसे कि आप ये जो है कभी भी इसे हमेशा आइस पर ही रखें। अगर ये आइस से हटाने के बाद ये वायरस जो है एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि इसे आपको आधे घंटे में इस्तेमाल कर लेना पड़ता है। तो आप इसे बिल्कुल भी बर्फ़ पे से ना हटाएं। आप जहाँ पर भी इसे ले जा रहे हैं थोड़े से बर्फ़ में रखें, जैसे कि मैं भी आइस पैड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये वैक्सीन कबूतरों में और मुर्गियों में क्या उम्र से दे सकते हैं? तो अगर ये मुर्गियों के बच्चे हों तो आप उन्हें एक से दो दिन के जब निकलते हैं अंडे में से, जब भी आप उनको ये वैक्सीन दे सकते हैं। लेकिन कबूतर के बच्चे हों तो उन्हें कम से कम दो हफ्ते के होना ज़रूरी है, उसके बाद आप ये वैक्सीन उन्हें कर सकते हैं। तो भाई अब ये वैक्सीन बनाने का तरीक़ा देख लेते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा, आपको एक 2 ml की सिरिंज चाहिए होगी और ये जो है ये डाइल्यूएंट है, इसके साथ जो स्टेराइल वाटर आता है जो वैक्सीन रेडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको ये वैक्सीन के साथ ही जो भी आप दुकान से लेते हैं वहाँ से मिल जाएगा। या तो ये वेटरनरी मेडिकल से मिलेगा या फिर कोई पोल्ट्री फार्म हो आपके पास तो आप वहाँ से भी जाकर ले सकते हैं। इसके साथ एक और दो ज़रूरी बात ये है कि आप जब भी ये वैक्सीन बनाएं, इसे आपको फौरी आधे घंटे के अंदर अंदर यूज़ कर लेना है। और ये हमेशा, ये वैक्सीन का जो बॉटल होता है इसे आप हमेशा बर्फ़ पर ही रखें। और आपको ये वैक्सीन बनाने के लिए इसके साथ जो पानी दिया जाता है आप वही इस्तेमाल करें, कोई और गर्म पानी या कुछ ऐसा इस्तेमाल ना करें। इसके साथ आपको एक बॉटल दिया जाता है, अगर आप वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप उनसे पूछें जिसके पास से भी आप ये ले रहे हैं, वो आपको वहीं साथ में मिल जाएगा। जैसे कि अभी ऑरेंज बॉटल जैसा है यही आपको इसी कोई तरीके का ब्लू कलर या बगैर कलर का भी है, वो सब कुछ स्टेराइल वाटर मिलता है आपको, आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आपको ये वैक्सीन रेडी करने के लिए ये जो स्टेराइल वाटर है इसे आप अपनी 2 ml के सिरिंज में थोड़ा सा ले लें, 2-3 ml लेकर ये जो आपका वैक्सीन का वायल है, ये जो छोटा बॉटल होता है जिसमें वायरस होता है, आपको ये थोड़ा सा वाटर लेके उसमें डाल देना है। और अगर आप इसे पहली बार बना रहे हैं तो आप कैसा भी ग्लव्स का यूज़ करें, क्योंकि अगर ये वैक्सीन इंसानों की आँख में लग जाए तो इंसानों में आँख सूजने का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो आपको इसे बहुत ध्यान से और एहतियात से इस्तेमाल करना है। तो आप जब ये 2-3 ml पानी ये छोटे से बॉटल में डाल दें, उसके बाद आप इसे अच्छे से शेक कर लें ताकि ये वायरस अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये एक्टिवेट हो जाता है जब भी आप इसमें पानी मिला दें, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपको इसे फौरी अब आधे घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है। अभी जो ये वायल है ये 500 बर्ड्स का है, तो आप इससे आपके 500 परिंदों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसमें आपको 1000 बर्ड्स का भी मिल जाएगा अगर आपके परिंदे इससे भी ज़्यादा हों तो। तो जब आप इसे अच्छे से शेक कर लें, आपको ये सिरिंज में पूरा निकाल लें, निकालने के बाद
जो साथ में स्टेराइल वाटर का बॉटल आया है उसमें आपको ये पूरा उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। ये वैक्सीनेशन में आपको आसानी होने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पूरे परिंदे जिसको भी वैक्सीनेट करना है उनको आप एक जगह रेडी कर ले पहले एक जाल में, और एक के बाद एक उन्हें वैक्सीनेट करके बाहर छोड़ देते जाएँ, ताकि आप जो एक परिंदे को ऑलरेडी वैक्सीनेट कर चुके हैं उसे आप फिर से वैक्सीनेट ना करें। तो जब आप वो मिक्सचर इस ये बॉटल में डाल दें, आप इसे अच्छे से शेक कर लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद आपको परिंदे को ये आँख में एक ड्रॉप और नाक में एक ड्रॉप, बस एक एक ही ड्रॉप देना है। ऐसा नहीं कि अगर आप ये ज़्यादा दें तो परिंदे को इसका ज़्यादा असर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बस एक ही ड्रॉप देना है, वही काफ़ी हो जाएगा एक परिंदे के लिए। तो जब ये रेडी हो जाए आप इसे बर्फ़ पर रखें, और बर्फ़ पर रख कर ही इस्तेमाल करें जब भी आप ये वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसमें अगर आपके साथ कोई और आप परिंदे को पकड़ने के लिए होगा तो उसमें आपको काफ़ी मदद हो जाएगी, और ये आसानी से आप दवा दे सकेंगे। तो जब भी आप अपने परिंदे को लें, आप ये देखें कि जब भी आप उसके आँख में ड्रॉप डाल रहे हैं, आप डालने के बाद थोड़ी देर रुकें ताकि वह जब अपनी पलक मारे तो दवा उसके आँख में अंदर चले जाए। ऐसा नहीं कि बस आप दें और परिंदे को छोड़ दें तो दवा शायद उसके अंदर ना जाए। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप उसको दवा डालें, एक ड्रॉप डालें, वो बिल्कुल अंदर तक जाए उसके, जैसे नाक के ऊपर ही रह जाता है कभी ड्रॉप। तो आप ये गौर से देखें कि वो नाक के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अब आपको ये वैक्सीनेशन कब कब करनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉफ में इंशाल्लाह बीमारी बिल्कुल ना आए तो आप ये 3 महीने में करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप ये 6 महीने में भी कर सकते हैं। इससे सिर्फ टेढ़ नहीं और बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ होते हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ये 3-3 महीने में ये वैक्सीनेशन कर ली जाए, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई ये देखिए, जब भी आप इस्तेमाल करें परिंदे को दवा दें और वापस इस तरीके से बर्फ़ पर रख दें ताकि ये दवा ख़राब ना हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें का वायरस जो है मर जाता है, इसीलिए आपको ये हमेशा बर्फ़ पर रखना होता है। और आपको ये वैक्सीनेशन करने के लिए अगर इस तरीके का ड्रॉपर का बॉटल नहीं मिलता है तो आप या तो आई ड्रॉप का जो खाली बॉटल होता है उसमें खोल के आप ये लिक्विड उसमें डाल लें, आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको ये एक वेटरनरी मेडिकल पे भी मिल जाएगा, या नॉर्मल मेडिकल पे भी आप खाली एम्प्टी ड्रॉपर पूछें, अगर आपको वैसे वो मिल जाए तो आप वो भी चला ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो भाई और आपका कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम।